स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर जिसमें हम फोर्स फील्ड के मुताबिक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है फोर्स की इलेक्ट्रिक फोर्स की फील्ड के मुताबिक वो ज़्यादा बेहतर हो सके। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं जिनमें से जो ए पार्ट है उसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंट 50 सेंटीमीटर इन एयर फ्रॉम अ चार्ज क्यू। ठीक है, हमें एक चार्ज बताया गया है। ठीक है, क्यू हमें गिवन है जिसका हमें बता दिया गया है कि वो 5 माइक्रोकूलम है और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि हमारे पास एक बॉडी है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, दैट्स वाई उसके ऊपर चार्ज है हमारे पास 5 माइक्रोकूलम का, और ये हमें कहा गया है कि हमने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि हमने ई फाइंड करना है एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर यानी कि आर भी हमें बता दिया गया। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई भी पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज को हम ले लेते हैं Q1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉइंट चार्ज है, यूनिट चार्ज है, जिसके ऊपर एक यूनिट का चार्ज है, वो 50 सेंटीमीटर के फासले पे चार्ज क्यू से लाते हैं, तो वो चार्ज जो है पॉइंट चार्ज Q1 वो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो फील करेगा अपने ऊपर। ठीक है, कैसी वो फोर्स अपने ऊपर फील करेगा इस चार्ज Q की वजह से। और दूसरा ये कि हमने देखना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, और जो सेकेंड पार्ट है हमारे क्वेश्चन का वो यही है कि कंप्यूट द फोर्स ऑन अ चार्ज Q- प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू। यानी कि पहले तो हमने देखा था कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज रखा, अगर इस पॉइंट चार्ज की जगह हम एक ऐसा चार्ज रखते हैं जिसके यूनिट से ज़्यादा हमारे पास वैल्यू है चार्ज की, जो कि हमें बता दी गई है 4 × 10⁻⁶, तो तब वो जो चार्ज है वो क्या फोर्स फील करेगा इस चार्ज क्यू की वजह से। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा क्या मौजूद है अपने क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हमारे पास डाटा ये है कि हमें बता दिया गया है क्यू की वैल्यू जो कि है 5 माइक्रोकूलम, और माइक्रो से मुराद ये होता है 5 × 10⁻⁶ कूलम, यानी कि माइक्रो हम लोगों के पास 10⁻⁶ की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। साथ ही हमें बता दिया गया है कि डिस्टेंस आर कितना है, वो है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है डिस्टेंस का वो हमारे पास क्या होता है, मीटर। तो इसलिए बेहतर है कि सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लें। हम ये जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 मीटर के। ठीक है, दैट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हुआ, 1/100 मीटर के, और 50 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया, वो इक्वल हो गया 1/100 × 50 मीटर। दैट मीन्स कि हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, 0.5 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 0.5 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आर की वैल्यू है, और अब हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई की वैल्यू। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे वो डायरेक्शन भी रखती है। ठीक है, इसलिए हमने उसके ऊपर साइन भी लगाया है वेक्टर का। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है कि हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी चार्ज क्यू पे। ठीक है, तो अब हमने देखा कि अब हमने इस पार्ट वन में मालूम करना है किसी भी पॉइंट चार्ज के ऊपर, जिसे हमने Q1 कहा है, तो हमारे पास फोर्स कितनी आएगी चार्ज Q की वजह से, वो आएगी 4π ε₀। ठीक है, Q × Q, Q सेकेंड वाला जो है वो Q1 है जिसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, √R². ठीक है, और इस होल को अब डिवाइड करना है Q। क्यू कौन से वाला, पॉइंट चार्ज वाला, और जिसकी वैल्यू हमने रखी थी Q1, ये Q1 और ये Q1 आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा 1/4π ε₀Q/R². ठीक है, जैसे कि हमें Q की वैल्यू तो पता है, उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 9.0 × 10⁻⁹, ठीक है, N·m² / C². ठीक है, और ये जो मैंने वैल्यू लिखी है ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कि फर्दर जो हमारा क्यू है उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, वो आ जाएगी 5 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है, √0.5 m² ठीक है, into r यूनिट वेक्टर।
अभी जो आर है ये किसको शो कर रहा है, ठीक है, ये शो कर रहा है कि देखें जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कि ये क्यू है, ठीक है, इसके ये हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, ठीक है, रेडियली वो आउटवर्ड होती हैं, यानी कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे सर्कल बनाती जाऊँ, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सर्कल का मैं जो रेडियस ड्रॉ करूँ यहाँ पे, जैसे अगर मैं रेडियस ड्रॉ करती हूँ तो उसी की डायरेक्शन में जो है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, इसी तरह से इस सर्कल को मैं बढ़ाते जाऊँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक और सर्कल इससे बिगर रेडियस का बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी जो डायरेक्शन है उसकी वही रहेगी जैसे रेडियस की है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा ये क्यू चार्ज है ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q1 पॉइंट चार्ज के ऊपर वो भी रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है, यानी कि रेडियस के अलोंग है। दैट मीन्स कि जो हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं वो भी रेडियल के अलोंग है, रेडियस के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम लोग के पास आफ्टर कैलकुलेशन फ्रॉम द कैलकुलेटर हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, 1.8 × 10^5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम इंटू यूनिट वेक्टर आर। न्यूटन रह गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं मीटर स्क्वायर, और ये वाला मीटर जब स्क्वायर होगा ये दोनों आपस में कट गए, यहाँ पे कूलम है और ये कूलम पर स्क्वायर है, यानी कि ये वाला जब ये नीचे आएगा कूलम स्क्वायर तो इसका एक कूलम इस एक कूलम से कट जाएगा, तो हमारे पास जो लास्ट में यूनिट्स आएंगे वो आ जाएंगे न्यूटन पर कूलम, और साथ ही हम लोग के पास यूनिट वेक्टर आर मल्टीप्लाई होगा तो उसकी डायरेक्शन देगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया उस फोर्स का एक्सप्रेशन जो कि हमारा चार्ज क्यू एक्सर्ट कर रहा था एक पॉइंट चार्ज पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था वो था कि हमने अब फोर्स देखनी है जो ये चार्ज क्यू एक्सर्ट करेगा किसी चार्ज क्यू डैश पे, ठीक है, जो इतने ही डिस्टेंस पे रखी गई है, रखा गया है, सॉरी 50 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आप देखें कि हमने आधा काम तो कर लिया है कि हमने एक पॉइंट चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स तो कैलकुलेट कर ली, तो अब सबसे इजी काम ये रहता है कि बजाय कि हम पूरी के पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोबारा कैलकुलेट करें, उसके बजाय हम क्या करेंगे कि देखें जैसे हम लोगों के पास एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फोर्स पर चार्ज, ठीक है, एक यूनिट चार्ज के, उसकी वैल्यू से हमारे पास आ गई। तो अब क्या करेंगे कि हम ये फोर्स चेक करने के लिए कि उसके ऊपर कितनी लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो अब क्यू डैश की वैल्यू गिवन है वो सिंपली इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 1.8 × 10^5 न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाय 4.0 × 10^-6 कूलम, यानी कि ये जो हमें दूसरा चार्ज गिवन है, जैसे हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि देखिए हमें गिवन है 4.0 × 10^-6 कूलम, ठीक है, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। तो जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.72 न्यूटन, ठीक है, ये कूलम पर कूलम और ये कूलम आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास आएगा 0.72 न्यूटन, और ये भी रेडियली एक्ट कर रही है, ठीक है, ये वाली फोर्स। अब आप ये देखें कि हमें एक और चीज़ बड़े मज़े की यहाँ से पता चल रही है कि जो Q1 है, ठीक है, Q1 हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है, और Q2 क्या है, Q2 भी हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, Q2 भी हमारे पास पॉजिटिव है, यानी कि जो Q1 है वो रिपेल करेगा Q2 को, क्योंकि ये दोनों एक सेम साइन के हैं, ठीक है। तो हमें ये भी पता चल गया कि एक तो Q1 जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है Q2 के ऊपर वो रेडियली आउटवर्ड उसके ऊपर एक्ट कर रही है, और सबसे बड़ी बात हमें ये भी पता चल गई कि जो Q1 है वो रिपेल कर रहा है Q2 को, सही। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको कूलम्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर होगा, और सबसे बड़ी बात जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसकी डायरेक्शन है उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।